ये हमारा दरवाज़ा है और इस दरवाजे के नीचे हम वो लगाने वाले हैं मैग्नेट। तो चलिए इसको किस तरीके से लगाया जाता है। अब मेरे पास एक प्लास्टिक का मैग्नेट है जो कि इसकी लंबाई 3 इंच है। तो अगर आपको इसकी लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आपको ये 4 इंच में मिल जाएगा, 5 इंच में आपको अवेलेबल लंबाई के हिसाब से आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आप ये प्लास्टिक का ना लगा के आप स्टील का भी लगा सकते हो। स्टील के अंदर आपको 2 इंच से लेकर 6 इंच तक की लंबाई आपको मिल जाएगी। तो दोनों अच्छे हैं, आप स्टील का लगा रहे हो तो स्टील का भी लगा सकते हो, वो भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। तो अगर आप प्लास्टिक का लगा रहे हो तो आपको थोड़ा हैवी मैग्नेट लाना है। अगर आप कोई लो क्वालिटी का मैग्नेट लगाते हो तो यहाँ पे ये टूटने की शंका रहती है, यहाँ से ये टूट जाता है। तो ये आपको थोड़ा हैवी लेकर आना है। अब हम इसको यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो अब आप ये टाइल देख रहे हो तो आपको ये टाइल के ऊपर नहीं लगाना है, इस मैग्नेट को आपको थोड़ा फ्लोरिंग से आपको 6 इंच ऊपर लगाना है। आप 7 इंच ऊपर भी लगा सकते हो, यहाँ से 5 इंच ऊपर भी आप लगा सकते हो। तो आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। और यहाँ से जो आप ये दरवाज़ा देख रहे हो यहाँ से आप 2 इंच अंदर लगा सकते हैं, 3 इंच अंदर आप इसको लगा सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर ये 6 इंच बाई 2 इंच में यहाँ पर इसको लगाने वाला हूँ। तो अब हम यहाँ पर ये छोटा सा मार्किंग कर देंगे। ये हमने छोटा सा यहाँ पर ये मार्किंग कर लिया है। और अब हम इस दरवाजे को खोल देते हैं इधर। और अब मैं यहाँ पर ये मार्किंग कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ लगभग मार्किंग कर लेता हूँ 5 इंच पे, और ऐसे मैं इसको 2 इंच अंदर ले लेता हूँ। तो आप एक अंदाज भी ले सकते हैं, आपको ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंच टेप से माप के ही लगाना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब आप ये देख सकते हो कि इसके जो ये स्क्रू है, इधर तो ये थोड़ा होल बड़ा हो रहा है और इधर ये होल बहुत ही छोटे हो रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से मार्किंग करते हैं तो अपना जो स्क्रू एकदम सीधा जा रहा है तो हम मशीन से टाइट नहीं कर पाते हैं, ये टच हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मशीन से थोड़ा इस तरीके से होल पाड़ लेंगे ताकि जो अपना स्क्रू है हम यहाँ पर ये थोड़ा सा दूर रख के लगा सके। और आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैं मशीन से थोड़ा इसको होल को इस तरीके से इसको फ्री होल कर दूंगा थोड़ा, तो मार्किंग करने में थोड़ा अच्छा रहेगा। तो अब मेरे पास एक 6 mm का पाना है जो कि मैं इस तरीके से इसको होल कर देता हूँ ताकि अपना स्क्रू लगाने में थोड़ा ईजी रहे। ठीक है, ये अपने होल हो गए हैं एकदम करेक्ट, अच्छी तरीके से एकदम करेक्ट होल हो गए हैं। तो अब हमें स्क्रू लगाने में थोड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। अब जैसे ये स्क्रू है तो हम इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से लगा के टाइट कर देंगे ताकि जो अपना आसानी से टाइट हो और ये कहीं टच ना हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप होल करेंगे तो ही ये लगेगा, आप अगर होल नहीं करते हो तो भी आप इसको लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने होल किया है तो उस तरीके से आपको अच्छा लगे तो होल करें, वरना आप इसके अंदर ये होल ना करें, आप ऐसे ही इसको लगाकर मार्किंग करके इसको लगा सकते हैं। अब ये हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट लग गया है। अब हम यहाँ पर ये निप्पल की मदद से चारों तरफ आपको मार्किंग कर लेना है। ओके, ये हमारा मार्किंग हो गया है चारों। अब आपको यहाँ पर ये 6 mm का बीट लेना है, 8 mm का आपको नहीं लेना है क्योंकि हमें ये पतले स्क्रू लगाने हैं। तो आपको यहाँ पर ये 6 mm से ही होल करना है, 8 mm से आपको यहाँ पर होल नहीं करना है। और जब आप इसको होल करोगे तो आपको मशीन को सीधा नहीं रखना है, थोड़ा सा इस तरीके से ले लेना है, ठीक है, ताकि अपना स्क्रू आसानी से लगा सके। तो इसको इस तरीके से थोड़ा क्रॉस कर लेना है। तो मैं यहाँ पर ये होल कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे होल हो गए हैं। और अब हम यहाँ ये 6 mm की जो गिट्टी है इसके अंदर हम लगा देते हैं। और अब हम इसको गिट्टी को अंदर थोड़ा, तो ये हमारी गिट्टी कंप्लीट हो गई है, हमने अंदर लगा दी है। अब ये 3 इंच के स्क्रू लगाएंगे क्योंकि अपनी जो दीवार है यहाँ पर मैंने जो होल की है वो खाली आ गया है अंदर। तो अगर मैं ये यहाँ पर ये छोटा स्क्रू लगाता हूँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये निकल जाएगा क्योंकि अपनी जो दीवार है वो बहुत खाली आ गई है अंदर से। ख़ास तौर पर आप दीवार के अंदर होल करते हो तो खाली आता हो या ना आता हो तो आपको ऐसे बड़े स्क्रू ही लगाने हैं, क्योंकि मैंने अक्सर बहुत जगह देखा है ये धीरे धीरे ये निकल जाता है। तो आपको थोड़ा बड़ा स्क्रू ही लगाना है। अब आपको क्या करना है, इन स्क्रू को कसना नहीं है, पहले आपको इसको हथौड़ी से थोड़ा ठोक लेना है क्योंकि जो अपनी ये गिट्टी है ये थोड़ी सी अंदर चली जाएगी तो उससे क्या होगा, देखिए 1.5 इंच का जब हम इसको ये सीमेंट से ये प्लास्टर करते हैं तो इतना अपना सीमेंट का और रेती का प्लास्टर रहता है, तो गिट्टी अपनी थोड़ी अंदर चली जाएगी तो वो कभी बाहर नहीं निकलेगी फिर। ठीक है, अपनी गिट्टी जो है वो इतनी अंदर चली गई है ताकि उससे बहुत मजबूत रहेगा, ये निकलेगा नहीं। और अब आपको इसको इस तरीके से इसको टाइट कर देना है। ठीक है, ये हमारा जाम हो गया है बिल्कुल भी,
क्योंकि हमने इसके अंदर बड़े स्क्रू लगाए हैं, तो ये भी निकलेगा नहीं, ये बहुत ही जाम हो गया है। अब जो आपको ये दिख रहा है, इसको आपको यहाँ पर चिपका लेना है, बराबर एकदम बराबर होना चाहिए। और ये जो इसका जो ये डिज़ाइन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको भी जैसा ये लग रहा है इसको भी ऐसा लगाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप इसको ऐसा भी लगा सकते हैं, ऐसा भी लगा, कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब हम इस दरवाजे को बंद करेंगे, तो अब ये हमारा दरवाज़ा यहाँ पर टच हो गया है। इस तरीके से मार्किंग कर लेना है, ये हो गया ना, तो छोटा सा मार्किंग कर लेना है आपको। ये हमारा मार्किंग यहाँ पर हो गया है, तो अब हम इसको यहाँ पर ये निकाल लेते हैं बाहर। और इसको जिस तरीके से हमने यहाँ पर ये मार्किंग किया था, इस तरीके से हम यहाँ पर ये लगाकर मार्किंग कर लेंगे। आप देख रहे हो मेरे इस दरवाजे के ऊपर ये वाइट लेमिनेट लगा हुआ है, तो अगर आपके यहाँ पर ब्लैक लेमिनेट लगा हुआ है, कोई दूसरा कलर का लेमिनेट लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर टेप लगा सकते हैं, ताकि उससे क्या होगा, आपका यह मार्किंग बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पर मार्किंग कर देंगे चारों। अब ये जो हमने यहाँ पर ये मार्किंग किया था, तो हम इसको थोड़ा हल्का सा पंच कर देंगे, ताकि अपना जो स्क्रू है वह कहीं इधर उधर भागेगा नहीं। और अब हम इसको ये पौन इंच के जो स्क्रू दिख रहे हैं आप, इसकी मदद से हम इसको लगा देंगे। आप यहाँ पर एक इंच का स्क्रू भी ले सकते हो, ज़्यादा बड़ा स्क्रू नहीं लेना है, नहीं तो आपके दरवाजे के आर पार स्क्रू निकल सकते हैं। तो आपको पौन इंच के स्क्रू ही यहाँ पर लगाने हैं। ओके, कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसको यहाँ पर टच करके देखेंगे, तो आप ये देख सकते हो अभी ये बराबर जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, ये जाम नहीं हो रहा है क्योंकि आप ये देख सकते हो यहाँ पर ये कितनी जगह बच रही है, तो इसकी वजह से इसमें थोड़ा क्रॉसिंग आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये कागज़ का पैकिंग यहाँ पर रखेंगे। आप इसकी जगह पर कोई लकड़ी का टुकड़ा भी आप ले सकते हो। इसको हम इस तरीके से रखेंगे और वापस इसके अंदर स्क्रू लगा देंगे। ठीक है, हमारा लग गया है। अब हम इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एकदम ओके आ गया है, बराबर चिपक रहा है, आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो हम इसके अंदर वापस स्क्रू लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारा लग गया कंप्लीट, वहाँ पर चिपक रहा बराबर। और अब हम इसको फर्सी की मदद से इसको कटिंग कर लिया, हमने इसको यहाँ पर ये कटिंग कर लिया है, थोड़ा ये अच्छा लगेगा, इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है। ठीक है, ये हमारा मैग्नेट यहाँ पर लग गया है कंप्लीट। ठीक है, और अगर आपका दरवाज़ा यहाँ से 4 इंच 5 इंच या फिर 6 इंच आगे लगा हुआ है, तो आपको यहाँ पर ये पैकिंग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्रॉसिंग आ जाती है इस तरीके से, तो ये बराबर यहाँ पर ये चिपकता नहीं है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पर ये पैकिंग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपका दरवाज़ा यहाँ से ये चौकट की जगह छोड़कर लगता है, तो जब आप ये मैग्नेट लगाते हो, तो आपको यहाँ पर ये पैकिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका दरवाज़ा वहाँ से 1.5 इंच ही जगह छोड़ के लग रहा है, तो यहाँ पर आपको वो कागज़ का पैकिंग या फिर कोई लकड़ी का पैकिंग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एकदम परफेक्ट तरीके से बराबर मैच हो रहा है, मैच हो रहा ना। और अगर आप ये मैग्नेट यहाँ पर ये दीवार पे ना लगाते हो, तो एक स्टील का मैग्नेट आता है छोटा सा, 1.5 इंच की लंबाई में आता है, उसको आप यहाँ पर खड़ा इसके अंदर आप उसको लगा सकते हो इस तरीके से। वहाँ पर आप जहाँ पर चाहते हो, जिस तरीके से आप दरवाजे को, वहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हो। लेकिन जब आप स्टील का इस फ्लोरिंग के ऊपर लगाते हो, तो वो सक्सेस नहीं होता है, धीरे धीरे वो निकलने लग जाता है, टूट जाता है, क्योंकि बार बार दरवाज़ा इस तरीके से ही टकराता है। तो अगर आप मैग्नेट लगा रहे हो, तो इस तरीके से आप मैग्नेट लगा रहे हो, तो वो एकदम परफेक्ट है, कभी निकलेगा नहीं। और यहाँ पर आप स्टील का भी लगा सकते हो, दोनों अच्छे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप दरवाज़ा खोलते हो, तो अगर आपको दरवाजे को यहाँ तक खोलना है, या फिर यहाँ तक खोलना है, या फिर यहाँ तक खोलना है, तो ऐसे एक ब्रैकेट आता है, ये तो फिलहाल एक मिरर कांच का ब्रैकेट है, तो इस तरह का एक ब्रैकेट आता है, जैसे ये इसके अंदर आप ये कट देख रहे हो इस तरीके से, उसके अंदर एक कट आता है, और यहाँ ऊपर राउंडिंग आता है, और यहाँ पर भी ये राउंडिंग आता है। और उसकी हाइट की बात करें, तो ये लगभग 10 mm, 8 mm से लेकर 10 mm तक उसकी ये हाइट आती है। तो जिस तरीके से इसके अंदर ये कट लगा हुआ है, उस तरीके से वो एक ब्रैकेट यहाँ पर लगता है, एकदम छोटा सा ब्रैकेट आता है। तो उसको आप जहाँ पर अपने दरवाजे को रखना चाहते हैं, वहाँ पर आप उसको इस तरीके से लगा सकते हैं, तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। सो ये एक प्रोसेस था डोर मैग्नेट लगाने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।